बजट 2024-25 चूंकि दो दिन कबल पास हो चुका है, अब वफाकी हुकूमत के बजट पास करने के बाद क्या प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आप इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं जो बजट पास होने के बाद अब हमारे साथ उसकी जो सूरत हाल बनी है वो हमने इस पिछली वीडियो में इस टॉपिक को बड़े डिटेल से कवर किया है। आपको तमाम टैक्सेस जो है वो हमने आपको बताई हुई है, अगर आप वो टैक्सेस देखना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहली वीडियो होगी वो दे देंगे, आप उन टैक्सेस को देख लें। प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से आपको तमाम डिटेल जो है वो आ जाएगी आपके सामने, जो आप बजट पास होने के बाद जितनी भी टैक्सेस है वो हमने आप उस एक ही वीडियो में आपको तमाम टैक्सेस टेबल की शक्ल में कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बता दिया है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि क्या इन तमाम इस बजट के पास होने के बाद इन तमाम टैक्सेस की मौजूदगी में प्रॉपर्टी इंडस्ट्री कहां जाएगी, इन्वेस्टमेंट की सूरत में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमने देखा था पिछले साल जब प्रॉपर्टी पे टैक्सेस को बढ़ाया गया था तो उस पर क्या हुआ कि लोगों ने हुकूमत के ऊपर जो हुकूमत के टैक्सेस थे उनको बचाने के लिए लोगों ने क्या किया कि उन्होंने मुख्तियारनामों के जरिए जो था और अनरजिस्टर्ड स्टैम्प पेपर्स के जरिए जो था इकरारनामों के जरिए प्रॉपर्टीज को खरीदना शुरू किया, जिसकी वजह से हुकूमत को क्या हुआ उसके लॉसेस हुए, हुकूमत के पास टैक्स की जो जनरेशन थी प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री के माध्यम में वो कम हुआ। अब चूंकि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेशन जो है फाइलर के ऊपर भी बहुत ज्यादा कर दी गई है, नॉन फाइलर के ऊपर तो बेइंतहा ज्यादा कर दी गई है, इसका मतलब यह है कि अब आप बतौर फाइलर भी लोगों को डला रहे हैं कि अगर आप फाइलर बनते हैं, लेट फाइलर टाइम आपसे गुजर गया है तो आपके ऊपर जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं वो हम इतने बढ़ा देंगे कि आप फिर फाइलर नहीं बने तो बेहतर है। लेकिन आप अगर आप फाइलर से ले बंदा उन महीनों से गुजर जाता है जिस महीनों में फाइलर उसने बनना था वो टाइम याद गुजर गई है तो अब आपको चाहिए है बतौर गवर्नमेंट जो है आप एक ऐसे शख्स को एक दायरे में लेके आना चाहते हैं कि जो टैक्स नहीं देता, आप उसको टैक्स नेट में लेके आना चाहते हैं, आप उसके लिए लुक्रेटिव करें, उस फील्ड को इंटरेस्टिंग करें, उस फील्ड में चार्म पैदा करें, आप उसको टैक्स नेट में लाने के लिए देखें। अगर आप एक दफा उसको टैक्स नेट में ले आते हैं तो वो आपके साथ रजिस्टर हो जाता है, अगले साल भी वो रिटर्न जमा कराता है, एक रेस्पॉन्सिबल शहरी बन जाता है। आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप उसको जब आपका जो टैक्स जमा करने वाली तारीख है वो गुजर जाए किसी शख्स से तो आप उसको एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के ऊपर लाने के लिए आप उसको इंसेंटिव भी दे सकते हैं कि अगर किसी ने दिसंबर के महीने में या किसी ने जनवरी के महीने में करनी है तो हम उसको रिबेट देंगे, रिबेट देंगे टैक्स के ऊपर। अगर आप उसको रिबेट का की लालच देंगे तो वो फौरन आएगा और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर आएगा और वो अपने वो ये सोचेगा तो टैक्सेस में अगर मुझे छूट है तो मैं उस टैक्सेस को जमा कराता हूं तो वो छूट की वजह से भी वो आ जाता है। लेकिन अगर आप उसको डराते हैं कि अगर आप अब आए तो आपके ऊपर इतनी टैक्सेस होंगे, आप वो अब आए तो आपके ऊपर डबल टैक्सेशन होगी तो ऐसी सूरत में वो कभी भी नहीं आएगा, आपने उसको मजीद डरा दिया है। अब प्रॉपर्टी इंडस्ट्री की मिसाल ले लें, आपने उसके ऊपर टैक्सेस को इतना बढ़ा दिया है कि पिछले साल लोग जो थे वो गवर्नमेंट के तायुन करदा तरीकेकार से जो प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज थी वो नहीं कर रहे थे, अब आपने अगर उसकी टैक्सेशन को कई गुना बढ़ा दिया है साल दो साल पहले से या तीन साल पहले से तो अब आप क्या समझते हैं कि लोग जो हैं वो टैक्सेशन के ऊपर आएंगे और वो आप गवर्नमेंट के तरीके वजह करदा तरीकेकार से प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज करेंगे। आप बतौर हुकूमत जितने भी सख्त मेजर्स लेंगे लोग जो होंगे ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आवाम जो होगी वो प्रॉपर्टी परचेज करना जो है वो छोड़ देगी और वो जो है वो यही प्रॉपर्टी यही अमाउंट जो है वो किसी और चीज में इन्वेस्ट करेगी जैसे कि गोल्ड इंडस्ट्री है या वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाएगी जो इलीगल है आपके मुल्क में। आप उसको आप आवाम को इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर मजबूर कर रहे हैं या वो स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर या फॉरेक्स के ऊपर जाएंगे क्योंकि और चाहे वहां पे रिस्क का आंसर ज्यादा है लेकिन आवाम जो है क्योंकि यहाँ पे आपने टैक्सेशन इतनी बढ़ा दी है तो जो आवाम के पास थोड़ा बहुत हर इंसान के पास जो इन्वेस्टमेंट होगी वो उसके मुतबादिल जगह पे इन्वेस्ट करेगा। प्रॉपर्टी इंडस्ट्री को तो आपने बिल्कुल किसी भी मुल्क की प्रॉपर्टी इंडस्ट्री जो है वो उस मुल्क की बैकबोन होती है, आपने टैक्स स्लैब्स इतना बढ़ा दिया है कि इसके बाद कोई भी रिशऊर शख्स जो है वो प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करेगा। अब आपने एक और टैक्स भी बढ़ा दिया है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है पहले तो आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो इलीगल लगाई है, पहले तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी मेरे मुताबिक एक इलीगल टैक्स है जो प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री में लगा है। उसकी वजह यह है कि एफईडी जो है एफईडी के कानून के मुताबिक वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है,
तो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी ना गुड है ना सर्विसेज है, तो आप उस इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह एफईडी को लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर किसी ने ये प्रॉपर्टी इस एफईडी के चैलेंज किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो इसके बाद अगर किसी शख्स के पास कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी परचेज थी इस बजट से पहले, अब आपने उसके सीमेंट के ऊपर भी फी एफईडी जो है फी किलो 2% 2% से 3% कर दिया, इट्स मीन कि अब आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो भी बढ़ेगी। यानी जो शख्स जिसके पास प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा है पहले से, अब उसका ख्याल था कि मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करूंगा, थोड़े बहुत उसने पैसे जमा किए हुए थे, अब उस पैसों में उसकी कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट जो है वो अब मुकम्मल नहीं होगी एफईडी की वजह से। आपने अगर फी किलो उसके रेट को 1 रुपए के हिसाब से बढ़ा दिया है, 2 से 3 कर दिया है, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो भी बढ़ जाएगी, और कंस्ट्रक्शन कास्ट के बढ़ने से उसका जो बजट होगा वो भी मुतासर होगा। इसकी वजह से आपका जो कंस्ट्रक्शन है जिससे आपकी सीमेंट है या उसके से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, सरिया है, आपकी ब्रिक्स हैं, ये तमाम चीजों पे जितनी भी आपके टैक्सेस हैं, जब वो कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा तो आपकी जो टैक्सेशन है, आपको हुकूमत को जो इनकम है वो इनकम जो है उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है उसकी प्रोडक्शन को कम कर देंगी, क्योंकि जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, और जब प्रोडक्शन कम होगी तो ऑब्वियस है उसके ऊपर आपका जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स है 18%, एफईडी है, मुख्तलिफ जो आपके टैक्सेस हैं, एडवांस इनकम टैक्स है, एडवांस टैक्स है, तो ये तमाम टैक्सेस जो है वो हुकूमत को कम जाएंगे, उसकी जो इनकम है हुकूमत को टैक्सेशन जो है वो कम हो जाएगी, तो आप जो अपना टैक्स टारगेट है वो अचीव करने में आपको मुश्किल सामने होगी। इसका मतलब ये है कि अब प्रॉपर्टी इंडस्ट्री जो है वो तो नोज डाइव करने वाली है, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि प्रॉपर्टी इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लोग अपना पैसा खींच के किसी और मुतबादल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट जो है लीगल है या इनलीगल है, या वो इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर जो है वो ज्यादा है या कम है। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इन्वेस्ट तो करना है, तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज को मद्देनजर रख के, अब तो चूंकि फेडरल बजट अप्रूव हो चुका है, हमारी रिक्वेस्ट होगी कि कोई मिनी बजट जल्द अज जल्द आए, लेके आए, जिसमें इन टैक्सेस को कम किया जाए, ताकि लोग जो है वो जो लीगल तरीकेकार है प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसकी तरफ आए, लोग जितने ज्यादा आएंगे। अब आपका जो फॉरेन में बैठा ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी इन चीजों को देख रहा है, वो किस तरह आएगा जब आप उसके ऊपर टैक्सेशन को बढ़ा रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो इन टैक्सेशन पे नजरसानी करें, मिनी बजट लेके आए, उसमें इन टैक्सेशन को कम किया जाए, ताकि अवाम जो है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए, ज्यादा से ज्यादा इस प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो, और गवर्नमेंट जो है उससे अपने टैक्सेशन के रेवेन्यू है वो बढ़ा सके। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को जरूर प्रेस किया करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, इलम के पिलाने में अपना किरदार हमारे साथ जरूर अदा किया करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।